सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की थी, जिसका उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व, शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना था। लेकिन इस समय करनाल के लिए इस स्लोगन को बनाए रखने में मुश्किल आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल में लिंगानुपात पिछले साल 934 था और इस साल अक्टूबर के अंत तक 907 दर्ज किया गया, यानी कि पिछले साल से 27 कम, जो कि एक चिंता का विषय है। इस साल लिंग अनुपात में गिरावट ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। पिछले 9 महीनों में अक्टूबर तक लिंग अनुपात 934 से घटकर 907 हो गया। इस अवधि के दौरान जिले में 10,255 लड़के और 9,303 लड़कियों का जन्म हुआ। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो लोग पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे कई मामले पकड़े हैं। वहीं विभाग का ये भी कहना है कि लिंग अनुपात में सुधार के लिए सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। हम सेक्स रेशो को ऐसे लेते हैं, जैसे हमारा पिछले साल का सेक्स रेशो था 934 लड़कियां 1,000 लड़कों पे थी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया था, उसके तहत हमने जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर थे उन पे रेड की, और जो भी कोई लिंग जांच करता है कहीं पे भी उनके उन पे रेड की जाके, और काफी हमने FIR भी कराई है PNDT के तहत भी, MTP के तहत भी, और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत भी हमने FIR कराई है, जिसके रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। और अभी की बार भी इस साल हमारी सेक्स रेशो थोड़ी कम हुई है। अभी जो हमारे अक्टूबर तक का सेक्स रेशो है 907 लड़कियां 1,000 लड़कों के पीछे हैं, और हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। हमें जहां भी कोई सूचना मिलती है हम तुरंत वहां पे जाके कार्रवाई करते हैं। और आजकल हो क्या रहा है कि लोग कहीं हमारे यहां ना करवा के कहीं और करवा रहे हैं, फिर भी हम अपने जिले में सतर्क हैं पूरा, और जो लोग बाहर जाते हैं उन पर भी पूरा हमने नजर रखी हुई है, और जैसी कोई खबर मिलती है हम तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारी लड़कियां हैं वो लड़कों के बराबर आ जाए, जो हमारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है ये पूरी तरह से सफल हो। किस तरह की मुहिम चलाई जाती है विभाग द्वारा? हाँ, विभाग द्वारा हमारे समय समय पर मुहिम चलाई जाती है। जैसे कोई भी अगर संदिग्ध अल्ट्रासाउंड सेंटर है, या आजकल जो उभर के आ रहा है कि जो क्वैक्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे जो असिस्टेंट के तौर पे काम करने वाले लड़के हैं, वो बाहर जाके कोई नकली अल्ट्रासाउंड मशीन लेके या कोई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर के कहीं कोई खेतों में कर रहा है, कोई किसी ट्यूबवेल में कर रहा है जाके, कोई कहीं किसी घर में कर रहा है जाके, या कोई अपने एक छोटे मोटे क्लिनिक है जो उन पे कर रहा है। हमारे उन पे भी नजर है। हमने अभी पिछले महीने भी एक FIR यहां पे दर्ज हुई है, जिसमें 3 बंदों के खिलाफ FIR की है। वो एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन ले रहे थे, उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस हमने डाला हुआ है, कोर्ट में केस चला हुआ है। फिलहाल क्या आंकड़े? फिलहाल हमारे पास अभी तक अक्टूबर 2019 तक के आंकड़े हैं, 907 लड़कियां 1,000 लड़कों के पीछे हैं। हम इसमें इसको लिंग अनुपात कहते हैं। हम 1,000 लड़कों के पीछे हमारे जिले में कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं, हर महीने का हम आंकड़ा लेते हैं, और पूरे साल का हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो आंकड़ा है वो हमें जनवरी में पता लगेगा कितनी आई है साल की हमारी। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। प्रयास हमारे जारी है। अगर कहीं पे भी कोई होता है, मेरी सभी से करनाल वासियों से अपील है कि अगर किसी को भी कहीं कोई सूचना मिलती है ना, तुरंत उपायुक्त महोदय और सिविल सर्जन महोदय या हमारे किसी डिप्टी सिविल सर्जन का मुझे उसकी सूचना दे, ताकि हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकें, और जो ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों को हम पकड़ के उनको जेल में डाल सकें।